वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट का पार्ट थ्री, मेजर ऑफ कैपेसिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हमने सबसे पहले लेंथ, वेट, अब हम कैपेसिटी। इसमें जो मेज़र करते हैं हम वो लिक्विड चीज़ों को करते हैं। सुबह से आपने देखा होगा जब हम सुबह मिल्कमैन से मिल्क लेते हैं तो वो हमें जो मिल्क है उसको किस प्रकार से मेज़र करके देता है, तो ना तो वो हमें नाप कर देता है स्केल वगैरह से सेंटीमीटर में, ना ही वो हमें किलो से वेट करके देता है। वो हमें किससे देता है? वो हमें लीटर से नाप कर देता है। तो जो कैपेसिटी है तो वो उसका सबसे स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लीटर है। और यहाँ पर आप देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। यहाँ जो बड़े मेजरमेंट्स हैं उनको हम लीटर में और जो स्मॉल हैं उनको मिलीलीटर में नाप कर लेते हैं या देते हैं। इसके लिए कुछ आप देखिए, यहाँ पर आपको कुछ मिलीलीटर्स बनाए गए हैं, 10 मिलीलीटर्स, 20, 50, 100, 200 एंड 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर मीन्स हाफ लीटर। इसका मतलब ये है 1000 का हाफ कितना होगा? 500, और ये 1 लीटर का हाफ कहलाएगा। यहाँ कुछ लीटर्स दिए गए हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर एंड 10 लीटर्स। तो इससे हम जितनी भी चीज़ें लिक्विड्स हैं लाइक ऑयल एंड मिल्क, तो ये सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? मेज़र करके आप दे सकते हैं या ले सकते हैं। और ये सारे जो मेज़रमेंट्स की यूनिट है लीटर और मिलीलीटर, इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। और ये जो आपको मेज़रिंग मटेरियल्स दिया गया है तो इनसे आप बहुत ही अच्छी और आसान तरीके से लिक्विड चीज़ों को नाप कर यूज़ कर सकते हैं। तो हम इन मेज़र को, यानी कि जो यूनिट्स हैं हमारी लीटर और मिलीलीटर, तो यदि आप इनको यूज़ करते हैं तो किस प्रकार से यूज़ करना है? यदि आप कुछ सामान मिलीलीटर में लेते हैं और कुछ लीटर में लेते हैं तो कैसे अपना अंदाज़ा लगाएंगे, कैसे उसको हम हिसाब में लगा पाएंगे? इसके लिए हमें इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शंस वगैरह आना चाहिए। साथ ही साथ लीटर कितने लीटर मींस कितने मिलीलीटर, या कितने मिलीलीटर मींस कितने लीटर, ये आपको अंदाज़ा लगाना भी आना चाहिए। क्योंकि ये हमारे हिसाब में जो हम डेली यूज़ करते हैं अपना सामान, या यदि आप शॉपकीपर हैं या आप कॉमन व्यक्ति भी हैं और आप किसी शॉप से कुछ सामान लेने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये मेज़रमेंट का अंदाज़ा और इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इन लीटर्स और मिलीलीटर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको इन सभी का नॉलेज हो सकता है। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि यदि हम किसी भी लिक्विड चीज़ों को लेने जाते हैं मार्केट और शॉपकीपर से लेते हैं तो क्या वह आपको ठग रहा है या सही सामान दे रहा है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लीटर और मिलीलीटर, मिलीलीटर को हम किस में लिखते हैं? ml में लिखते हो, लीटर को l में। तो क्या वो किस प्रकार से मेज़र कर रहा है? यदि आपको पहले लीटर और मिलीलीटर के बारे में जानकारी है तभी आप उसको सही तरीके से जज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं लीटर को, चूँकि हमें पता है कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर। तो किसी भी लीटर को, कितने भी लीटर, यानी कि यहाँ आपको दिया गया है 21 लीटर्स, तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा? 1000 मिलीलीटर से इसको इंटू किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 21 लीटर को हम इंटू करेंगे यहाँ पर 1000 मिलीलीटर से। तो यहाँ जब हम 21 का मल्टीप्लाई करते हैं 1000 में तो यहाँ हमारा आता है 21,000। तो ये जो है मिलीलीटर में हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि हम 21 लीटर कुछ भी लिक्विड लेते हैं और यदि उसको मिलीलीटर में आप कन्वर्ट करके देखते हैं तो आपके पास टोटल आना चाहिए 21,000 मिलीलीटर, तब आपका 21 लीटर कहलाएगा। ठीक इसी का जब हम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करके देखना चाहें, यहाँ आपका है 5628 मिलीलीटर। यदि आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका आप क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे। यहाँ जब हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तब हमने यहाँ पर क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था। और इसका अपोजिट जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तब हम इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे सेम नंबर 1000 मिलीलीटर का। तो इसमें हमको क्या करना है? जब हम 5628 का 1000 में
डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5, और आपके पास बचेगा कितना, 628। तो जो 5 जो रहेगा वो लीटर रहेगा और 628 जो आपका बचता है वो होगा आपका मिलीलीटर। मैं यहाँ आपको रफ में करके दिखा देती हूँ, जब हम 1000 से 5628 का डिवाइड करेंगे तो 1005 जा यहाँ पर आपका आ जाएगा 5000। जब हम इसे माइनस करते हैं तो यहाँ आप देखिए 8-08, 2-02, 6-06 और 5-5, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बचता है। तो हमारा आंसर क्या आता है, इस पूरे मिलीलीटर में 5 लीटर है और एक्स्ट्रा में क्या है, 628 मिलीलीटर। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 5 लीटर 628 मिलीलीटर। तो इस प्रकार से हम मिलीलीटर, लीटर को मिलीलीटर में और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इससे आप मेज़र कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको सामान दिया जा रहा है। यदि आप किसी को सामान देते हैं लिक्विड में तो आप उसको अच्छी तरीके से मेज़र करके और उसको समझ के दे सकते हैं। सेम यदि हम इसका एडिशन किए करें, जैसे कि आपने कुछ बहुत सारा सामान लिक्विड में ले लिया है और आपको टोटल क्वांटिटी निकालना है कि आपने टोटल मेज़र कितना लिया है, तो उसके लिए भी है। हम लीटर और मिलीलीटर को किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, इसके लिए आपको चाहिए, सबसे पहले हम लीटर टू लीटर, यानी लीटर को हम लीटर से ऐड करेंगे एंड मिलीलीटर को मिलीलीटर से ऐड करेंगे, तो इससे आपका टोटल मेजर निकल जाएगा। साथ ही यदि आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगी। यदि आपकी यूनिट सेम है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपके यूनिट्स अलग हैं, लीटर प्लस मिलीलीटर, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको लीटर के नीचे लीटर एंड मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर यहाँ आपको लिखना होगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों आप इसके हिसाब से कर सकते हैं, बस अरेंज करना आपको ठीक से आना चाहिए। तो आई होप जो मेज़रमेंट के हमारे तीनों पार्ट थे उसमें आपको जो हमारे मेजरिंग का जो रूल्स रहते हैं वो आपको समझ में आए होंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो अब मिलते हैं हम न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।